बल्कि इसके आप भी इस लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं एंड आपके पास भी कुछ इस तरह का लैपटॉप या पीसी है और उसमें आप कुछ अच्छे ग्राफिक्स वाले और अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं, तो वेल गाइस ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस इस वीडियो पर मैं आपके लिए कुछ 10 गेम ऐसे लेके आऊं जो कि आपके पोटैटो से पोटैटो पीसी में आराम से चलेगा। आपको कोई ग्राफिक कार्ड का नीड नहीं है, चाहे आपके पास 1 GB रैम हो या 1 GB से कम रैम हो, आप इन सभी गेम को आराम से खेल सकते हैं। इन सभी गेम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और बात बोलना चाहूंगा तो प्लीज एक लाइक एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। देखो एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है फायर क्राई वन। एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया क्रिटिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड मैं पहले बता दूं कि ये फायर क्राई सीरीज का सबसे पहला गेम है, ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे पीसी प्लेस्टेशन 3 एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से खेल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 26 मार्च 2004 को। एंड मोड की बात करें तो इसमें आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। एंड बल्कि इस गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, स्टोरी स्टार्ट होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जैक रिवर रहता है। साथ ही साथ दोस्तों वो एक एक्स स्पेशल फोर्स एजेंट रहता है, खुद का एक बिजनेस रन करता है, वो बोट चलाता है साउथ पैसिफिक ओशन में। बेसिकली वैलरी जो रहती है वो एक रिपोर्टर रहती है एंड वो जैक को हायर करती है। जो वैलरी रहती है वो एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट रहती है एंड वहां पे जाना है जहां पर दोस्तों छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं जैक उसको लेके जाता है, तो जो हमारी रिपोर्टर है जो वैलरी रहती है वो अपना जेट स्की लेके वहां से निकल जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड यहां पर होता क्या है कि जैक के ऊपर कोई आरपीजी से हमला कर देता है एंड यहाँ पर जो जैक का बोट रहता है वो टूट फाट के मतलब पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे जैक अपना जान बचा के वहाँ से एक आइलैंड में पहुँचता है, वहाँ पर एक पीडीए डॉयल नाम के साइंटिस्ट से मिलता है एंड वो और जैक मिलके जो मेन हमारा जो विलन रहता है वो साइंटिस्ट जैक को बताता है कि भाई एक टॉप सीक्रेट रिसर्च सेंटर है जहाँ पर इंसानों को म्यूटेट किया जाता है। डॉक्टर क्रिगल रहता है, वो इंसानों के ऊपर कुछ उटपटांग एक्सपेरिमेंट करता है एंड उन्हें म्यूटेट कर देता है। तो अब क्या करता है, जैक और साइंटिस्ट मिलके चीज़ों को रोकना रहता है एंड जैक का बस एक ही मकसद रहता है कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप वो सभी चीज़ कर सकते हैं जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हैं एंड बल्कि जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ओपी। आपका जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 200 MB के आसपास ग्राफिक कार्ड रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। और स्पेस की बात करें 5 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें 3 मिनिमम आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे तो भाई देर की बात की, आप मेरे वेबसाइट पे कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। हमारा सेकंड गेम निकल के आता है, उसका नाम है GTA 3। एंड GTA 3 से आप बखूबी वाकिफ हो गए, मेरे को इस गेम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, आपने जरूर से इस गेम को खेला होगा। GTA 3 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया DMA डिजाइन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 2 एक्सबॉक्स मैक एंड्रॉयड iOS इनफैक्ट अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से इसे आप खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर है एंड गेम को रिलीज किया गया 32 अक्टूबर 2001 को। एंड दोस्तों गेम की बात करें तो भैया स्टोरी लाइन मिशन गेम है एंड इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ऑसम है। यह गैंगस्टर टाइप का गेम है, यहाँ पर आपको अपने ओपोनेंट गैंगस्टर को मारना रहता है। इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। इस एक ओपन वर्ल्ड गेम में जो भी आप कर सकते हो इस गेम में आप कर सकते हो एंड इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफ़ी ओपी है यार। एंड बेसिकली इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। सो बल्कि इस रैम की बात करें तो मिनिमम 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, मतलब कोई स्पेसिफाई नीड नहीं है इस गेम के लिए ग्राफिक कार्ड का। एंड प्रोसेसर की बात करें दोस्तों पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें
तो भैया 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो मेरा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट। एंड दोस्तों, बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है, जी हाँ, पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा एंड इसे डेवलप किया गया EA ब्लैक बॉक्स के द्वारा। साथ साथ मोड की बात करें तो भैया ये गेम सिंगल प्लेयर भी आता है एंड इसे आप मल्टीप्लेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। गेम की प्लेटफॉर्म की बात करें तो भैया ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स ना आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से खेल सकते हो। यानी रिलीज किया गया था 8 नवंबर 2002 को। साथ साथ गेम की बात करें तो भाई काफी ऑसम ग्राफिक्स इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम खेलना चाहते हो तो भाई नीड फॉर स्पीड परस्यूट आपकी के लिए ही बना हुआ है। अलग सिटी को आप यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे एंड जो व्यूइंग एंगल रहेगा रेसिंग का दोस्तों, एक ओपन वर्ल्ड जैसा आपको पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस गेम में आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के कार्स देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। सो वैसे इस रैम की बात करें तो मात्र 128 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, मतलब ग्राफिक कार्ड्स का कोई नीड नहीं। आपके जो डिफॉल्ट ग्राफिक कार्ड है 200 MB, 500 MB, तो ये गेम आराम से चल जाएगा। और दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा बिना किसी लैग के। स्पेस की बात करें तो भैया 3 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है टॉम राइडर द एंजल ऑफ डार्कनेस। टॉम राइडर द एंजल ऑफ डार्कनेस एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है, डेवलप किया गया है कोर डिजाइन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इडोन इंटरैक्टिव के द्वारा। सारे साथ दोस्तों, इस गेम को रिलीज किया गया 30 जून 2003 को एंड दोस्तों ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 2, अपने PlayStation 2, Xbox एंड इनफैक्ट अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया अभी तक ये सिंगल प्लेयर में रिलीज हुआ है। द एंजल ऑफ डार्कनेस की हम थोड़ी स्टोरी लाइन की बात करें दोस्तों, एक स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीटिंग गेम है एंड दोस्तों इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो काफी ऑसम है, आपको काफी पसंद आने वाला है अगर आपने इस गेम को अभी तक खेला नहीं है। तो बेसिकली इस गेम में आप टोटल सर्वाइव करते हो एंड यहाँ पर भी आपको अपने एनिमीज के बेस को यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है। साथ साथ इस गेम की जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफी ऑसम है। गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है। रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 3 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने PC या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको ये भी गेम आपको पसंद आता तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है मैक्स पेन 2। एंड दोस्तों, बेसिकली अभी तक आपने मैक्स पेन 1 नहीं खेला है तो भाई उसका लिंक है मेरे वेबसाइट पे, जाके इंस्टॉल कर लो। पेन 2 है वो एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, डेवलप किया गया है रेमेडी एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। साथ साथ इस गेम को रिलीज किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को। बेसिकली ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे अपने विंडोज, PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox एंड अपने Xbox 360 में आराम से खेल सकते हो। मैक्स पेन 1 के स्टोरी एंड के 2 साल के बाद, जहां पर जो हमारा मैक्स रहता है, जो पुरानी जॉब थी NYPD, वो उसे वापस मिल जाती है। क्या होता है, मैक्स को एक कॉल आता है कि भैया एक वेयर हाउस में मारामारी चल रहा है, तो बेसिकली आप वहां पर जाएं और देखें क्या मसला है। तो मैक्स क्या करता है, वहां पर जाता है एंड वहां पर जैसे ही जाता है तो वहां देखता है कुछ क्लीनर जो कपड़े धोते हैं ना, जो साफ सुथरा करते हैं, उसके कपड़े पहने कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं। अब क्या करता है, मैक्स अपना बीच बचाव करके उन्हें शूट करता है। तो वहाँ पर उसे कुछ ड्रग्स माफिया दिखते हैं एंड बेसिकली यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट होता है। अलग अलग सिटी में ट्रैवल करते हो। बेसिकली इसमें भी आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भाई गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी OP, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड वेल गाइस, इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 32 MB होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो भैया 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। और अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है वेबसाइट पे, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है टॉम क्लैंसी स्प्लिटर सेल। एंड दोस्तों, टॉम क्लैंसी स्प्लिटर सेल एक स्टेट शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड स्टॉर्म के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया Ubisoft के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे Xbox, PlayStation 2, Xbox 360, iOS, Android, Windows Phone एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हो।
साथ ही साथ गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर में आता है एंड इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 17, 2002 को। साथ ही साथ ये टेंसी का ये सीरीज का सबसे पहला गेम है दोस्तों। इस गेम में आप अलग अलग सिटी में ट्रैवल करते हो, वो डिस्ट्रॉय करते हो एंड साथ ही साथ इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफी ऑसम है एंड इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप एक NSA एजेंट का किरदार निभाते हो जो कि अलग अलग सिटी में ट्रैवल करता है एंड वहाँ के एनिमी को डिस्ट्रॉय करता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफी ओपी है। यहाँ पर मैं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ, इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 मिनट है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोटू ड्यू में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 25 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपनी PC या लैपटॉप पे। तो अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो भाई देर की इस बात की, जाओ ना वेबसाइट पे खुद फान के। और एक बात दोस्तों कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उसका नाम है हेलो 2। हेलो 2 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया बोंगी गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया माइक्रोसॉफ्ट गेम के द्वारा। साथ ही इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 9, 2004 को और ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे अपने PC, Xbox एंड अपने Xbox One में आराम से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। लोग एलियन टाइप के गेम को खेलना चाहते हैं तो भाई ये गेम आपके लिए काफी अच्छा है। गैलेक्सी बेस्ड गेम है दोस्तों, यहाँ पर आपको एलियन को शूट करना रहता है एंड बेसिकली काफी ऑसम ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर आपको एलियन को मारा रहता है क्योंकि एलियन आते हैं हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बेसिकली ये गेम का स्टोरी लाइन यही एंड इस गेम का जो स्टोरी लाइन है दोस्तों वो काफी ऑसम है, आपको जरूर से इसको एक बार खेलना चाहिए एंड यहाँ पर आपको पूरा रियल वर्ल्ड का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो बल्कि रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 मिनट है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया ये Pentium 3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 3 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उसका नाम है आयरन मैन एंड दोस्तों आयरन मैन एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम को डेवलप किया गया सीगा स्टूडियो के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया हैंड्स ऑन मोबाइल के द्वारा। बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे PlayStation 2, PlayStation 3 इनफैक्ट अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम को रिलीज किया गया था मई 2, 2008 को। बेसिकली मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर है, आयरन मैन का किरदार निभाते हो एंड आप सभी को पता है कि आयरन मैन कौन था, टोनी स्टार्क। मतलब यार आयरन मैन देखे होगे तो पूरा, अगर आपने आयरन मैन फिल्म को देखा है तो बेसिकली पूरा आप बोल सकते हो कि उसी पे पूरा कंटेंट बेस है इस गेम का। तो आयरन मैन का किरदार निभाते हो एंड जहां भी सिटी में जो भी यार डकैत घुस जाता है, कोई भी एलियन आ जाता है तो उसको आपको मारना रहता है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है एंड बेसिकली इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों वो काफी ओपी है, पूरा आपको ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। बेसिकली इस गेम में आपको फाइटिंग वेटिंग करना रहता है, अपने जो एनिमीज रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड जो यार सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए और प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों ये Pentium 3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है हल्क एंड दोस्तों यार आयरन मैन आई, अब हल्क ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वेल गाइस हल्क एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम डेवलप किया है रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है दोस्तों साइबर फ्रंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए, PlayStation 2, Xbox एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के इस गेम को आराम से खेल सकते हो। बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 27 मई 2003 को। बेसिकली दोस्तों गेम काफी ओपी है, इस गेम में आप हल्क का किरदार निभाते हो जो कि अपने दुश्मनों को बहुत ही अच्छा तरीका से ठोकता है, पीटता है एंड दुनिया को बचाता है। तो बेसिकली इस गेम में आपको फाइटिंग का सीन देखने को मिलने वाला है, अलग अलग सिटी को आप ट्रैवल करने वाले हो एंड इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं दोस्तों। रैम की बात करें तो मात्र 1 GB रैम होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्पेस की बात करें तो भैया
5GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। एंड अगर आप इस गेम को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भाई, इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे लास्ट एंड 10th गेम के ऊपर। जो हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम को आप बखूबी जानते हो, चाइल्डहुड गेम रह चुका है। तो वन एंड ओनली, मैं और कोई गेम की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं IGI 2 के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपने IGI 1 नहीं खेला तो भाई जरूर से खेलना। एंड IGI 2 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। गेम को डेवलप किया गया है स्टूडियो के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया कोड मास्टर के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध है। एंड इस गेम की मोड की बात करें तो भाई आप इसे सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, मल्टी प्लेयर भी खेल सकते हो। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 3rd मार्च 2003 को। एंड बेसिकली इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है यार, काफी ऑसम है। 2003 में भी गेम काफी पॉपुलर था एंड राइट नाउ इट्स 2021 ये गेम काफी पॉपुलर है। अगर आपने इस गेम को नहीं खेला है तो भाई एक बार जरूर खेला। इस गेम की स्टोरी लाइन की बात करें तो भैया आप इस गेम में एक क्रेडिट एजेंट का किरदार निभाते हो जो कि एनिमी के बेस में इंसर्ट करता है एंड धीरे धीरे करके एक एक करके एनिमी को मारते रहता है। सिस्टम एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है काफी कम है। अगर आपके पास एक आलू वाला पीसी है, आलू वाला नहीं भी पीसी है, उसमें आलू है भी नहीं, तो भी एक गेम आराम से चलेगा भाई। रैम की बात करें 128 MB रैम होना चाहिए। और ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भाई 32 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप में नहीं है। स्पेस की बात करें तो भैया 2GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना। और प्रोसेसर की बात करें तो भाई इंटेल पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, ये कुछ 10 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके पोटैटो पीसी के लिए। अगर आप इनमें से कोई भी 10 गेम में एक भी गेम खेले नहीं हो तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। और एक बात और दोस्तों, वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जो कि भाई जिनके पास एक आलू वाला पीसी और यार बहुत दुख में जी रहे हो। देखो बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है, दुख में साथ देना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जिनके पास एक आलू वाला पीसी है एंड वो खेल नहीं पा रहे गेम, बहुत मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने हाँ दोस्तों परिवार का ख्याल रखना और घर पे रहना, गेम खेलना अच्छे से रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय।